हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल द कारमैन। तो गाइस यार, आज की इस वीडियो में हम टाटा सफारी गोल्ड एडिशन के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। टाटा सफारी जो कि टाटा मोटर्स की एक 7 सीटर SUV है, इस कार को टाटा मोटर्स ने ऑलरेडी इंडियन मार्केट पर लॉन्च कर दी है और अब टाटा मोटर्स ने इस कार का एक गोल्ड एडिशन को भी इंडियन मार्केट पर लॉन्च की है। तो चलिए गाइस, जल्दी से आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और इस कार के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले हम इस कार की लुक्स की ओर देख लेते हैं। टाटा सफारी गोल्ड एडिशन में आपको दो कलर ऑप्शन मिल जाता है, एक है व्हाइट गोल्ड जिसमें आपको व्हाइट और गोल्ड कलर का कॉम्बिनेशन मिलता है और दूसरा है ब्लैक गोल्ड जिसमें आपको ब्लैक और गोल्ड कलर का कॉम्बिनेशन मिलता है। असल में ये ओरिजिनल ब्लैक नहीं है, ये कुछ डार्क ब्राउन टाइप का है। तो चलिए सबसे पहले हम इस कार की एक्सटीरियर फ्रंट लुक्स की ओर देख लेते हैं। इस कार की फ्रंट लुक्स की ओर देखा जाए तो इस कार का जो फ्रंट ग्रिल है और जो फ्रंट ग्रिल के मिडिल में टाटा का लोगो दिया गया है उसमें आपको गोल्ड कलर मिलता है। इसके अलावा हेडलैम्प्स और LED DRLs का जो बॉर्डर है उनमें भी आपको गोल्ड कलर मिल जाता है। इस कार की साइड प्रोफाइल की ओर देखा जाए तो इस कार की साइड में जो डोर हैंडल्स है उनमें आपको गोल्ड कलर मिल जाता है। इसके अलावा फ्रंट फेंडर के ऊपर आपको हैशटैग गोल्ड का एक बैजिंग मिलता है। रूफ रेल्स पर भी गोल्ड कलर की टच दिया गया है। इस कार की व्हील्स की ओर देखा जाए तो इस कार में आपको 18 इंचेस के चारकोल ब्लैक एलॉय व्हील्स मिल जाता है जो कि आपको टाटा सफारी एडवेंचर पर्सोना में मिल जाता है। इसके अलावा इस कार की रियर प्रोफाइल की ओर देखा जाए तो रियर प्रोफाइल में जो टाटा का लोगो दिया गया है उसमें आपको गोल्डन कलर मिल जाता है। इसके अलावा पीछे जो सफारी लिखा हुआ होता है उसमें भी गोल्ड टच दिया गया है। तो चलिए गाइस, अब हम लोग टाटा सफारी गोल्ड एडिशन की इंटीरियर लुक्स की ओर देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस कार की डैशबोर्ड की ओर देख लेते हैं। इस कार का जो व्हाइट गोल्ड वर्सन है उसमें जो डैशबोर्ड दिया गया है, डैशबोर्ड में आपको व्हाइट और गोल्ड कलर की एक मार्बल फिनिश मिल जाता है और उसके ठीक नीचे ही आपको एक बड़ा सा गोल्डन लाइन मिलता है जो कि डैशबोर्ड का इस एंड से उस एंड तक है। इसके अलावा टाटा सफारी का जो ब्लैक गोल्ड वर्सन है उसका जो डैशबोर्ड है उसमें आपको ब्लैक और गोल्डन कलर की मार्बल फिनिश मिलता है और उसके नीचे भी आपको वही सेम गोल्डन लाइन मिल जाता है। असल में ये प्योर गोल्ड नहीं है, ये सिर्फ गोल्डन कलर दिया गया है। इसके अलावा इंटीरियर में आपको स्टीयरिंग के ऊपर जो टाटा का लोगो दिया हुआ होता है उसके ऊपर आपको गोल्डन कलर की टाटा का लोगो मिलता है। इसके अलावा जो AC फेंट्स है उसमें भी आपको गोल्ड कलर की सराउंडिंग मिल जाता है। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर बॉर्डर लाइंस है उनमें भी आपको गोल्ड कलर मिलता है। इसके अलावा जो डोर हैंडल्स दिया गया है उनमें भी आपको गोल्ड टच अप देखने को मिल सकता है। तो चलिए गाइस, अब हम लोग टाटा सफारी गोल्ड एडिशन में मिलने वाला फीचर्स की ओर देख लेते हैं। असल में अभी करेंटली टाटा सफारी का जो टॉप वेरिएंट है XZF प्लस वेरिएंट, उसमें जो जो फीचर्स मिलता है वही सारा फीचर्स इस कार में भी आपको मिल जाता है और उसके अलावा भी कुछ ज़्यादा फीचर्स इस कार में आपको मिलता है। तो मैं सिर्फ कौन कौन से फीचर्स ज़्यादा मिल जाता है उसके बारे में ही बात कर लेता हूँ। टाटा सफारी गोल्ड एडिशन में आपको जेन्युइन लेदर सीट्स मिल जाता है जिसके ऊपर आपको गोल्ड का बैजिंग मिल जाता है। इसके अलावा आपको फर्स्ट और सेकेंड रो में वेंटिलेटेड कैप्टन सीट्स मिल जाता है। इसके अलावा इस कार में आपको वायरलेस चार्जिंग मिलता है, एयर प्यूरीफायर मिल जाता है और वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले इस कार में आपको मिल जाता है। तो चलिए गाइज, अब हम लोग टाटा सफारी गोल्ड एडिशन में मिलने वाला इंजन ऑप्शन की ओर देख लेते हैं। इस कार में आपको 2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन मिल जाता है। जो इंजन 170 HP का मैक्स पावर और 350 Nm का मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है 6-speed मैनुअल और 6-speed टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में। इसके अलावा इस कार की राइवल्स की ओर देखा जाए तो ये कार XUV700, ह्यूंडई अल्काज़ार और MG हेक्टर प्लस जैसे गाड़ियों को डायरेक्ट कॉम्पीट करेगा। इस कार की प्राइसेस की ओर देखा जाए तो इस कार का जो मैनुअल वर्सन है उसका एक शोरूम प्राइस है इंडिया में 21.89 लाख रुपीज़। इसके अलावा इस कार का जो ऑटोमेटिक वर्सन है उसका इंडिया में एक शोरूम प्राइस है 23.18 लाख रुपीज़। तो गाइज यार, आज की इस वीडियो में तो बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर से वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट्स करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ऐसे ही बहुत सारा इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपको इसी चैनल पर ही मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।